Today we are discuss the class 7 topic rational number. In previous video we are studying about the rational numbers properties. हम लोगों ने इसमें आपको natural number, whole number, integer, negative integer, positive integer, positive rational number, negative rational number इन सब के बारे में आपको बताया था, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इससे problems solve करेंगे. इस पे based है, ठीक है? तो first problems हमारे क्या है? फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. इसमें हमें रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, ठीक है? सपोज मैंने दे दिया आपको 3/4 गिवन है क्वेश्चन, और 3/4 के हमें 4 इक्विवेलेंट या 5 इक्विवेलेंट बनाने हैं रेशनल नंबर, ठीक है? राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है? तो देखिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कराएंगे, ठीक है? तो 3/4 दिया है, तो फर्स्ट हम क्या कराएंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराया, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराया, ठीक है? तो क्या हुआ, 3 × 2 = 6 / 4 = 8. सेकेंड क्या हुआ, 3/4 में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 3 से, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 3 से कराएंगे, 3/4 में मैंने न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 4 से कराया, 4 × 12 = 4 से कराया, ठीक है? 3/4 में मैंने क्या कराया, 5 से मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर में 5 से डिनोमिनेटर में 5 × 15 = 2, 3, 4 और 5 से कराया, ठीक है? तो इसके 4 इक्विवेलेंट हमारे हमने क्या है, 6/8 9/12, 12/16 and 15/20. ये हमारे 3/4 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट अब हम लोग सेकेंड टाइप का जो स्टडी करेंगे उसमें हम लोग पॉजिटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? एक्सप्रेस -5/13 एज ए पॉजिटिव न्यूमरेटर के लिए, पॉजिटिव न्यूमरेटर, ठीक है? तो देखिए पॉजिटिव न्यूमरेटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, -5/13 राइट करेंगे हम, इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कराएंगे, ठीक है? -1 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और माइनस इसलिए मैंने लगाया क्योंकि न्यूमरेटर में पॉजिटिव बनाना है, ठीक है? तो माइनस माइनस हमें क्या दे देगा, प्लस दे देगा, ठीक है? और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो 5/13 आ गया. इसमें आपको पॉजिटिव न्यूमरेटर में चेंज करना था तो पॉजिटिव न्यूमरेटर चेंज हो गया, ठीक है? सेम अगर डिनोमिनेटर में चेंज करना है, सपोज सेकंड पार्ट सी का एक्सप्रेस 8/-17 एज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है? तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज कराना है तो सेम मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से न्यूमरेटर में, -1 से डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय -1, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8/ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -8/7, ठीक है? ये हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने का प्रोसेस, ओके? नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या हुआ है, एक्सप्रेस -4/7 एज ए रेशनल नंबर विथ, पहला क्वेश्चन है डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से
माइनस 12। पहला क्वेश्चन है न्यूमरेटर में माइनस 12 आपको बनाना है और दूसरा है डेनोमिनेटर ट्वेंटी एट बनाना है। ठीक है, तो इसमें पहले देखो माइनस फोर पांच सेवन को रेशनल नंबर में चेंज करना है, जिसमें से न्यूमरेटर हमारा कितना हो जाए माइनस का 12 हो जाए फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में डिनोमिनेटर में 28 हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस फोर पांच सेवन डिनोमिनेटर में क्या बताना है माइनस का 12 बनाना है। देखिए स्टूडेंट आप देखिए सॉरी माइनस 12 बनाना है न्यूमरेटर में, तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है स्टूडेंट्स 4 3 जा 12 वो भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर बाय 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि अगर सेम हम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 4 3 जा 12 माइनस का 12 और 7 3 जा 20। ठीक है, ये हमारे देखिए न्यूमरेटर में माइनस का 12 हमारा माइनस 12.21। अगर इसको हम सिंपलीफाई या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस का 4.7 ही हमारा रिटर्न होके वही आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, दिया हुआ डिनोमिनेटर में माइनस 28 डालना है, तो हमारा दिया हुआ था माइनस का 4.7 डिनोमिनेटर में 28। अब देखिए 28 7 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 7 4 जा 28, सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 से मल्टीप्लाई कराया 4 जा 16 और 4 7 जा 28, तो माइनस का 16/28। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंज करने का। ठीक है, अगर सपोज यहाँ नेगेटिव लगा होता तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया आप देखिए सेकंड देखिए क्या करते हैं। देखिए एक नेट किसी टाइप का है, ये मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड वाला, देखिए एक्सप्रेस माइनस का 36/48 है रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज 4, इसका डिनोमिनेटर क्या हो 4 है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे सेम देखिए माइनस का 36/48 हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है 4, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू वैल्यू दी है और छोटी मिलाना है। ठीक है, तो इट मींस इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कि वो कौन सी टेबल में इससे क्या करेंगे जो 4 दिया 4 की टेबल से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12 की टेबल 12 4 जा 48 होता है, तो क्या करेंगे मल्टी है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12। देखिए 12 से कराएंगे न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 12 3 जा 36 माइनस 3 हो जाएगा और 12 4 जा 48। ठीक है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12, सो वी गेट -3/4, डिनोमिनेटर में 4 लाना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म इसे हम लोग कहते हैं। एक्सप्रेस अब क्या करेंगे जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है तो इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, नाउ टेक द एचसीएफ ऑफ 22 एंड 55। ठीक है,
एलसीएम ऑफ 22 एंड 55, ठीक है 22 और 55 का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम देंगे, कैसे लेंगे फैक्टराइज करके 2 × 11 और 55 का होगा 5 × 11, तो जो कॉमन पार्ट होता है वही एलसीएम होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 11 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जो 11 आया इस 11 से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दियर एचसीएल, ठीक है तो -22/55, ठीक है डिवाइड करेंगे 11 से न्यूमरेटर में और 11 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, 11 × 22 - 2 × 11 = 55, 5 तो हमारा -2/5 आंसर आ गया। ठीक है यही हमारा क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, टुडे इज इनफ, थैंक यू।